हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फोर हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु क्रैक द बैंक एग्जाम्स। जैसे आप लोगों को पता होगा पिछले 4-5 सालों से मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड बी, तो बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ चुके हैं, मैं जो नोट्स बनाता हूँ और मेरे साथ जो टीचर्स हैं वो हम सब मिलके जो नोट्स बनाते हैं वो पढ़ के बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स क्लियर किए हैं आज तक। तो मैं, जैसे आपको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरे ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं या इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन भी मेरा ब्लॉग भी पढ़ते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं एक पर्सनल टच रखता हूँ। मतलब मैं किसी को भी अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, हर ईमेल का मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर ईमेल का रिप्लाई करूँ। अपने दिन का कम से कम 2.5 से 3 घंटे, यस तो 2.5-3 घंटे स्टूडेंट से इंटरेक्शन में निकल जाता है। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे रेगुलर बात भी होती है, तो उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आज मैं कुछ एक हैबिट्स हैं, चार नहीं बोलूंगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगी, चार से भी ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ 5-6 हैबिट्स हैं जो स्टूडेंट्स की हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। बहुत कॉमन सी हैबिट्स हैं ये, जो 5-6 जो मैं हैबिट्स बता रहा हूँ वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कॉमन थी। चलिए आज शेयर करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मैं हूँ, मेरा नाम रमनदीप सिंह है और बैंक एग्जाम स्टडी पे मैं काम करता हूँ। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट क्लियर करते हैं एग्जाम्स उनको पता होता है कि उन्होंने पढ़ना क्या है। वो रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं पढ़ते, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बैंक एग्जाम्स में 2-2, 3-3 साल से एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न ये है कि वो जो स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, सही स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं है। तो वो किसी कोचिंग सेंटर के स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं या फिर रैंडमली कोई भी आर एस अग्रवाल एम टायरा जो बुक उन्हें मिलती है, कोई आसपास कोई फ्रेंड ने बता दिया, किसी ने बता दिया, किसी कोचिंग सेंटर में चले गए उन्होंने बोल दिया, तो वो फॉलो करने लग जाते हैं और पास नहीं होते। लेकिन टॉपर्स के मामले में ऐसा नहीं होता। वो कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदने से पहले या उसको फॉलो करने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, इधर उधर से देखते हैं कि कैसे, थोड़ा सा डेमो पढ़ के देखते हैं कि क्या ये बुक मुझे समझ आ रही है, क्या मेरी नॉलेज में कुछ फर्क पड़ रहा है इसके 4 पेज पढ़ने के बाद, क्या ये एक चैप्टर पढ़ते हैं पहले। जैसे कोई भी बुक ली उसका एक चैप्टर पढ़ा, वो फिर देखते हैं कि ये चैप्टर मुझे समझ में आया, क्या ये चैप्टर पढ़ के मैं क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैंने नई टेक्निक सीखी कि नहीं। अगर तो आपका जवाब ना है तो आप वो बुक फॉलो ना कीजिए। और यही जो टॉपर्स नहीं कहूँगा, हर बंदा टॉपर नहीं होता, जो स्टूडेंट्स ने आज तक एग्जाम क्लियर किया है उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि करंट अफेयर, देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स बनाती हैं, मैं भी लिखता हूँ, 100 लोग और लिखते हैं, तो आपको कहाँ से फॉलो करने हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। आपको मंथली कैप्सूल किसका पढ़ना है, आपको जो एप्लीकेशन है, एंड अगर एंड्रॉयड या जो भी आपके पास फोन है, अगर आपने न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन करनी है या करंट अफेयर की या एग्जाम प्रिपरेशन की, कौन सी एप्लीकेशन आप फॉलो करेंगे। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपने कौन सी ऑप्शन को चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू रीड। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट ने आज तक मेरे जो स्टूडेंट से, पहली बात कोचिंग सेंटर में चलाया करता था कुछ टाइम पहले, फ्री में भी चलाया मैंने बहुत देर, उसके बाद थोड़ा पेड किया तो मुझे पेड ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो आई गिव अप। तो उसके बाद मैं स्टडी मटेरियल पे ही काम करता हूँ, नोट्स ही बनाता हूँ या वीडियोज बनाता हूँ। बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे थे, मैंने ये नोटिस किया था जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं या सिर्फ ये वीडियो लेक्चर्स या इन चीज़ों के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों का सक्सेस रेशियो, सक्सेस रेट बहुत बेहतर था। ये कोचिंग सेंटर्स, ये जो कोचिंग वाली फैसिलिटी जिन्हें लेने की लग्जरी की आदत पड़ जाती है, जो स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में जाते हैं इधर उधर पहले एसी देखते हैं कि एसी लगा कि नहीं लगा, और हर एक क्वेश्चन को टीचर से जाके पूछते हैं। मुझे अभी तक याद है जब मैं कोचिंग देता था तो मैं
जैसे टाइम एंड वर्क मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, तो मैं 70-80 क्वेश्चन दे दिया करता था कि ये ले लीजिए 70 क्वेश्चन, इसे सॉल्व कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए। तो नॉर्मली मेरे माइंड में ये होता था कि 70 में से 4-5 क्वेश्चन मेरे पास आएंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए। तो हम ये एक्सपेक्ट मैं ये एक्सपेक्ट करके मैंने शुरू किया पहले दिन से कि यार 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है कीजिए। तो हम यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे की क्लास थी, वो क्लास 4 घंटे चली। स्टूडेंट्स ने एक एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करवाया। 70 क्वेश्चन से बहुत कम स्टूडेंट्स बैठे थे, कुछ ज्यादा। मेरा इंस्टीट्यूट भी बहुत छोटा हुआ करता था, मतलब आप मान लीजिए थोड़ा सा आप 300-400 स्क्वायर फिट का। तो आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2000 आप कह लीजिए 14 की बात 13 की बात कर रहा हूँ। तो नया नया मैंने आफ्टर कॉलेज शुरू किया था, खुद तो ज्वाइन नहीं किया तो लोगों को पढ़ाने लग गए। और इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। 70 क्वेश्चन करवाने के बाद अगले दिन फिर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए। ये मैं अपनी पहली दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पहली दूसरी क्लास ली तो मुझे ये मुझे अजीब लगा कि यार 70 क्वेश्चन मैंने एक क्लास में करवाए हैं, एक क्लास में 70 क्वेश्चन मैंने खुद से करवाए। मैंने एक हैंडआउट बनाया, स्टूडेंट्स को बांटा, स्टूडेंट कर रहे हैं क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, मतलब एक दो से हुए, और जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनसे किसी से 70 में से 4 क्वेश्चन हुए, किसी से 5 क्वेश्चन हुए। तो एट द एंड उन्होंने आके मतलब अगले दिन भी यही चला कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया, दोबारा कराइए। और बीच में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते थे, आज टाइम एंड वर्क क्यों करा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करवाइए, मुझे क्लर्क बनना है, मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। तो बहुत अजीब सा माहौल हो गया था कि मुझे भी लगा ये क्या हो रहा है। तो वो स्टूडेंट ज्यादा पास नहीं हुए, मैं फ्रैंकली क्लियरली बताता हूँ, जो वो 10-12 स्टूडेंट्स तो जो थे उस टाइम पे, उनमें से कोई मेरे मुझे ज्यादा ध्यान में भी नहीं है। 2-4 महीने तो मेरे ध्यान में थे, लेकिन उसके बाद नहीं थे, क्योंकि उन लोगों का होने का चांस भी नहीं था पास। इंस्टेड की कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास एक दो बार ऐसे आए, उन्होंने मुझसे स्टडी मटेरियल लिया, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल छपवाया था मैंने तब, उन्होंने मुझसे स्टडी मटेरियल लिया और बीच बीच में मेरे पास 10-15 दिन बताते थे एंड जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करवाते थे और चले जाते थे। मतलब 10-15 दिन में एक बार, मतलब टोटल मुझे 5-6 बार मिले। उन लोगों का आराम से एक का तो आरबी ग्रेड भी तक क्लियर हुआ था, उसका सेबी ग्रेड ए क्लियर हुआ था। तो बड़े आराम से लोगों के एग्जाम क्लियर हो रहे थे, बहुत आराम से लोग पास हो रहे थे। तो ये कैसे हो पाया? तो इसीलिए मैं कहता हूं कोचिंग से बेटर सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप पास नहीं होंगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आई मीन ये एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8-10 लोग वो थे जिन्होंने मुझे 5,000 रुपये फीस दी थी, नहीं 3,500 रुपये फीस दी थी, आधों ने तो वो भी नहीं दी थी, 3,500 रुपये फीस देकर मेरे पास बैठे थे और वो एक एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करवा रहे थे। और तब मुझे इतना हरासमेंट कह लीजिए हो गया मेरा कि मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया, 1-to-1 मैंने पैसे लेके पढ़ाना छोड़ दिया, फ्री में मैं आज भी पढ़ाता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो फिर मैंने एक इंस्टेड ऑफ बींग अ टीचर मैं एक मेंटर की तरह काम करने लग गया, गाइड की तरह। मैं भाई आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा, तो मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है जो पास हों, तो मेरा गोल तो यही था। तो कोचिंग वाले वे से ये नहीं हो सकता, कोचिंग इंस्टीट्यूट दिस इज अ मनी मेकिंग मशीन। आई मीन IAS वगैरह में तो कोचिंग का समझ में भी आता है कि बहुत वास्ट है ये वो है, बैंकिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट एक मनी मेकिंग मशीन है, क्योंकि मैं खुद इन कामों में पढ़ चुका हूँ, बीच में एक मैं बहक गया था कह लीजिए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सही रास्ता नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास किताबें हैं, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनेट पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, बहुत कुछ है। इवन अगर आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो तो मैं अपनी हर वीडियो पे मैं देता हूँ, raman@bankexamstoday। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे मेल कीजिए, मैं आपकी हर मैं मोस्टली हर मेल का रिप्लाई करता हूँ। अगर आप जेन्युइन सही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो मैं हर मेल का रिप्लाई करता हूँ। तो मैं यही कहूंगा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट मत जाइए, रिपीट कर रहा हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट मत जाइए।
दिल्ली वगैरह कुछ एरियाज में कुछ एक इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन पूरे इंडिया में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो हालात है वो बहुत बुरी है। जाते ही आपसे पैसे ले लेते हैं, 5,000, 7,000, 10,000, और मिलता आपको कुछ भी नहीं है। दो चार गंदी सी बुक्स पकड़ा देते हैं और अजीब सी टेस्ट सीरीज वो आपको जबरदस्ती लेनी पड़ती है। जागिए, आप पैम्फलेट्स या न्यूज़पेपर की एड्स देख के कहीं मत जाइए, आपके पास इंटरनेट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंटरनेट पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं उन टीचर्स का इतना लेवल है कि वो यूट्यूब पे आके वीडियोस बना पाए या लाइव स्ट्रीम कर पाए। वो नहीं कर पाएंगे, कोई देखेगा ही नहीं। अगर वो कर पाते तो टीचर नहीं होते, वो यही कर रहे होते, वो यूट्यूब ही कर रहे होते, वो ब्लॉग्स ही बना रहे होते। अगर कोई टीचर अच्छा है, वो सच में अच्छा है, कुछ अच्छे लेवल का है, वो इंटरनेट पे होता, वो ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होता। ये एक फैक्ट की बात है, तो अवॉइड इट। सारे अच्छे टीचर्स यूट्यूब या ब्लॉग्स ये सब ही कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर नॉट पेइंग वेल। महिंद्रा या करियर बार, अगर मैं इनका बताऊं कि ये कितना कितना पे करते हैं, कितना कम पे करते हैं, एक क्लर्क की सैलरी से भी कम पे होता है यहाँ पे। वो सभी जो लोग फेल हुए होते हैं वो यहाँ जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का, सेल्फ स्टडी करें। चलिए, बहुत लंबी बात खिंचगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। अगली बात करते हैं कि जो भी टॉपर्स या जो जिन भी लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है वो न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करते हैं कोई ना कोई। मतलब ये पिछले काफी सालों से, बचपन से कह लीजिए, जब से मैं 7th 8th में हूँ, 8th में हुआ हूँ, आई मीन आज मैं 27 28 साल का हो चुका हूँ, 28 का होने वाला हूँ, 5 तारीख को या 5 दिनों में मेरा बर्थडे है। तो पिछले आई थिंक आप कह लीजिए 15 सालों से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, 15 सालों से। और मैंने देखा है मेरे आसपास के जो भी अच्छे लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिनका दिमाग चलता है। आई मीन जो लोग पेपर क्लियर करते हैं, इंटरव्यूज क्लियर करते हैं ढंग से, उन्हें करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ रहे हैं तो भी आपको करंट अफेयर्स बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगे, आपका जीए का स्कोर बहुत अच्छा होगा, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और इवन ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करता है। आप एक पजल को है, एक पजल जब समझने बैठते हैं रीजनिंग में, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं, आप पजल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप पूरी पिक्चर को बड़ी आसानी। न्यूज़पेपर में क्या होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, बड़े बड़े एडिटोरियल होते हैं, आपको आदत पड़ जाती है जो डॉट्स है उनको कनेक्ट करने की। पहले ये बात बोली है, फिर अगली बात आई है, फिर अगली बात आई है, फिर डॉट्स को कनेक्ट किया है, आपको आदत पड़ जाती है। तो ये आदत बहुत अच्छी आदत है मैं कहता हूं, तो ये आपको पूरे बैंक के जो एग्जाम्स हैं हर हर पॉइंट पे आपको हेल्प करता है, हर पॉइंट पे। सुबह आप सिर्फ आधा पौना घंटा, अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा नहीं दे दे रहे तो आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा मैं कहता हूँ मोर देन सफिशियंट है, 30 मिनट्स बहुत बहुत सही टाइम है। तो न्यूज़पेपर मैं कौन सी रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ द हिंदू। हमारे यहाँ पे लुधियाना में द हिंदू मिलती नहीं है, मतलब मिलती है 9 बजे मिलती है, तो 9 बजे कौन पढ़े, तो हमें तो सुबह 6:30 7 बजे चाहिए होती है। द हिंदू पढ़िए, तो हमारे यहाँ तो नहीं मिलती है, तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत सही लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का है, इसको मैं रेटिंग 1 दूंगा, ये दूसरे नंबर पे है। अगर इंडियन एक्सप्रेस भी आपको नहीं मिलता है तो आप HT तो मत पढ़िए, HT या टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मैं पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे ET फिर भी थोड़ा सा कह लीजिए ठीक है, वैसे मुझे ये दो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये दो नहीं मिलते फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, ये मेरे प्रेफर्ड हैं। अगर मुझे द हिंदू मिले तो मैं द हिंदू पढ़ूंगा, अगर द हिंदू नहीं मिलता तो टाइम इंडियन एक्सप्रेस, अगर ये भी नहीं मिलता तो टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। तो चलिए आगे की बात करते हैं, आफ्टर न्यूज़पेपर। अब आप कहेंगे कि न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ लिया, तो अब करंट अफेयर्स क्यों? करंट अफेयर्स पढ़ने में कितना टाइम लगता है? एक बार अगर आप करंट अफेयर्स किसी भी वेबसाइट से अगर पढ़ें, बैंक एग्जाम टुडे से पढ़ें या जीके डेस्ट एप्लीकेशन से पढ़ें, तो वैसे हमारी एक एप्लीकेशन है जीके डाइजेस्ट, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो कर लें। जीके डाइजेस्ट ऐप को आप इंस्टॉल जरूर कर लें, यहाँ पे हम बैंकिंग, करंट अफेयर्स सब कुछ हम इसमें डालते हैं। एक बार जरूर चेक करके देखिए कि हम कैसा पूरा कंटेंट डालते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा क्या है? जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना है? रिवाइज करने के लिए,
करंट अफेयर्स में 8-10 पॉइंट्स होते हैं, 8 से 10 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप किसी दिन न्यूज़पेपर स्किप कर दें, 1 घंटा नहीं दे पाते हैं सुबह सुबह, तो करंट अफेयर्स मेकअप कर देगा, आपका पूरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, 8 से 10 पॉइंट हैं, सिर्फ दिन में आपके 5-7 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट दिन के, और अगर आप ये 5-7 मिनट दे रहे हैं और मोर देन सफिशियंट है। और सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आपने ये 5-7 मिनट में 8-10 पॉइंट देख लिए, और उसमें से आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप गूगल पे सर्च कीजिए, न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर की एप्स हैं, उसमें वही टॉपिक पढ़िए। करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वही डाले जाते हैं, कोई भी अच्छा जो करंट अफेयर लिखने वाला बंदा है तो वो वहाँ यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखता है, आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में इसी टॉपिक्स को अगर सर्च करेंगे तो ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को दोनों को साथ लेकर पढ़ने का। कहाँ से पढ़ना है, जीके डाइजेस्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि जो लोगों ने आज तक, जिन भी स्टूडेंट्स ने आज तक एग्जाम क्लियर किया है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, तो वो सब लोग टेक सेवी थे। करंट अफेयर्स आप में से कितने लोग हैं जो करंट अफेयर्स को मैगजीन से, आज भी मैगजीन से पढ़ते हैं? कितने लोग हैं कोई प्रिंटेड मैगजीन उठा के पढ़ते हैं? बहुत कम, आई मीन है ही नहीं। करंट अफेयर्स को किसी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट से ही पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट सीरीज है, आप ऑनलाइन ही लेंगे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने कौन जाता है? पेपर फॉर्मेट में मॉक टेस्ट कौन देता है आजकल? कोई भी नहीं देता। अगर आपको बैंकिंग पे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? मैगजीन थोड़ी खरीदेंगे उसकी। कोई वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, अच्छे अच्छे पेजेस बने हुए हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस बनती हैं, तो बैंकिंग आपकी तैयारी यहीं पे होती है। अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में कुछ पढ़ना है या उसके नोट्स चाहिए तो आप कहाँ से लाएंगे? क्यूटी रीजनिंग का मुझे कुछ समझ में आता भी है, चलो ठीक है, अपने अपने बुक खरीद ली है, पढ़ ली है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, इंग्लिश का क्या? तो टेक सेवी होना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट अबाउट। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, मृणाल का ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। बैंक एग्जाम्स टुडे जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो तो मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, मुझे तो अच्छा लगेगा ही। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आई मीन न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, बहुत बहुत बेहतरीन साइट्स हैं, इन सबको आप फॉलो करें। 4-5 आप सोच लें कि मुझे ये ब्लॉग, ये वेबसाइट मुझे फॉलो करनी है, आप उन सबको फॉलो करें। और यूट्यूब के चैनल्स, यूट्यूब बहुत एक बेहतरीन सोर्स बन गया है इन्फॉर्मेशन का, मास कम्युनिकेशन का सोर्स बन गया है। पहले हम लोग जैसे ब्लॉग्स लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे, और आजकल हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है वीडियो शेयर करने का। पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पॉसिबल है। तो YouTube एक ग्रंथ है इन्फॉर्मेशन का पूरा, किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंकिंग से, कंप्यूटर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आपके पास YouTube है। पहले खाली गूगल हुआ करता था, लेकिन आपके पास अब YouTube भी है, ब्लॉग्स तो है ही है। मोबाइल एप्लीकेशन एक बहुत एक जबरदस्त एक जरिया बन चुका है, बहुत अच्छी अच्छी मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं ऐप स्टोर पे। एप्पल के ऐप स्टोर पे इतनी अवेलेबल नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स को लेके, क्योंकि बैंक एग्जाम्स को जो एस्पिरेंट्स हैं ज्यादातर उनके पास एंड्रॉयड का फोन होता है, तो ज्यादातर आपको एंड्रॉयड के फोन में ही एप्लीकेशन इसकी मिलेंगी बैंक एग्जाम्स के रिलेटेड, एप्पल iOS में नहीं देखने को मिलती ज्यादा एप्स। तो ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब है, एप्स है, तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक इवन आपको किसी और स्टडी मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। मैं अपने ब्लॉग पे आज तक 7000 आर्टिकल लिख चुका हूँ, 7000, तो इसमें बैंकिंग के एक एक टॉपिक को पता नहीं कितनी इन डेप्थ हम फॉलो कर चुके हैं, कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस, IT ऑफिसर, हर एक टॉपिक पे हम इतना इन डेप्थ जा चुके हैं, और इतना जो क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल है, इवन हमारा नहीं सबका, 2013-14 की बात करूँ जो क्वालिटी होता था स्टडी मटेरियल का या वीडियोस का, इतना घटिया हुआ करता था। आज से अगर मैं कंपेयर करूँ, बहुत इवॉल्विंग स्टेज पे था, तो हम लोग घर पे बैठे भी अगर स्टडी मटेरियल बनाते थे वो भी लोग पढ़ लेते थे, लेकिन आज की डेट में जो वैल्यू परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है, लोग ऑनलाइन ई बुक्स के लिए पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वो फायदेमंद फील होती हैं। पहले इतना क्वालिटी नहीं हुआ करता था ई बुक्स का या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है ये प्रिंटेड स्टडी मटेरियल से बहुत बेहतर है। मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है या ऑनलाइन
ब्लॉग्स हैं इनसे कॉपी करके बनाया जा रहा है और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम कहते हैं छोड़िए कौन केस करेगा। तो ये सब हो रहा है आजकल। चलिए अगली एक बात करते हैं, डोंट टेक रिस्क। किस चीज की रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, कैसा रिस्क? ये जो रिस्क की बात कर रहा हूं ये है कि जैसे आप एग्जाम देने गए क्यूटी का, आपको एक चैप्टर एलिगेशन समझ में नहीं आया, आपने छोड़ दिया, तो ये आप रिस्क लेके गए हैं कि चलिए ये 3 चैप्टर छोड़ दो, नहीं आएगा, ये एक दो क्वेश्चन आएंगे चलो नहीं आएगा। तो ये एक रिस्क है। जो जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर करना होता है वो ये रिस्क नहीं लेते, वो कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाते, वो करंट अफेयर अगर इस महीने का पढ़ने के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं तो पेपर है जी, वो नहीं छोड़ेंगे, वो कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। आपने रिस्क नहीं लेना है, कभी भी रिस्क नहीं लेना, कुछ छोड़ के नहीं जाना। अभी अभी मुझे एक मेल मिली है एक स्टूडेंट की कि सर मुझे ये फला फला 5 चैप्टर आते हैं क्यूटी में और ये 3 चैप्टर नहीं आते हैं, तो क्या ये 5 चैप्टरों से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा मेंस का, एसबीपीओ मेंस का? मैंने उससे ये सवाल मेरे दिमाग में है पूछा नहीं, क्योंकि रूड हो जाता कि भाई तुम्हारा प्री का पेपर कैसे क्लियर हो गया, कि तुम्हें 3-4 चैप्टर आते ही नहीं है, तुम प्री में कैसे पास हो गए? कि ऐसे भी कोई बोल सकता है कि मुझे ये 4 चैप्टर आते हैं ये 4 नहीं आते हैं तो मेंस में मैं जाऊं तो मेरा हो जाएगा? यार तुम्हारा प्री कैसे हुआ मुझे ये बताओ। इतने स्टूडेंट्स जो प्री में फेल हुए हैं, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पूरा उनका कवर है सिलेबस, कई बार किस्मत अच्छी नहीं होती है या मोटिवेशन लेवल नहीं ठीक होता है या घर पे परेशानी है, लोगों ने बहुत ताने मारे हैं रिश्तेदारों ने कि लड़का घर पे बैठा है, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दिमाग नहीं चलता, या कई बार दिन ही अच्छा नहीं होता, कई बार सुबह मम्मी ने आलू के परांठे खिला दिए होते हैं, अब 4-5 बेटा एग्जाम देने जा रहे हो दूर तो ये खा के जाओ, या ज्यादा ट्रैवल करके गए होते हो, 6-7 घंटे का ट्रैवल करके पहुंचे हो तो एग्जाम देने की हिम्मत ही नहीं होती। तो बहुत सारे रीजन होते हैं कई बार बुरे परफॉर्मेंस के, या आपने कभी ऑनलाइन टेस्ट दिया ही नहीं है, तो बहुत सारे रीजन है मैं कहूंगा एक बैड परफॉर्मेंस के। तो ये एक इन चीजों को अगर साइड पे रखें, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी फेल हो जाते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और पिछले 1-1.5 साल से किसी ना किसी वजह से फेल हो रहे हैं तो मन मत हारिए, अभी ये बुरे दिन हैं, ये बीत जाएंगे। अगर आपका 1-2 मार्क से अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो ठीक है, इट इज जस्ट अ बैड लक समटाइम्स, भूल जाइए उसे, जो हो गया उसे भूल जाइए, होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ है 5-6 सालों में, आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे कैसे दौर से हम लोग गुजरे हैं। मतलब पैदल आया करते थे काफी दूर तक, और चलिए आज भी इतना वो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रिच पर्सन इवन एज ऑफ नाउ, बट जिंदगी एक स्ट्रगल है। आज जो आप कर रहे हैं ये मत सोचिए कि 6 महीने आप स्ट्रगल करेंगे तो एग्जाम क्लियर हो गया फिर स्ट्रगल खत्म, 10 से 5 की जॉब नहीं। जब आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा जिंदगी में मसाला खत्म हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो पानी एक बार ठहर जाए, एक टंकी में पानी रखा हुआ है और एक पानी पानी जो है बह रहा है एक नदी में, कौन सा पानी ज्यादा अच्छा होता है, नदी वाला के टंकी वाला? नदी वाला पानी तभी बहेगा ना, तो बहेगा तो उसको पत्थरों से भी टकराना पड़ेगा, धूल मिट्टी को साथ में लेकर जाना पड़ेगा, गाय की या इंसानों की जो मैल है उसको भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, लोगों की प्यास बुझानी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। टंकी के पानी का क्या है, पड़ा है बस, पड़ा है तो पड़ा, सड़ रहा है वो नाले में जाएगा, आपको नाले में नहीं जाना है। स्ट्रगल ये जिंदगी का एक रूल है, सारी जिंदगी स्ट्रगल है, ये 2-4 महीने 5 महीने का स्ट्रगल नहीं। अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर पास भी हो जाते हैं तो आपका स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, आपकी पोस्टिंग 1000 किलोमीटर दूर कर देंगे तो स्ट्रगल कहाँ खत्म कहाँ हो रहा है, 2-2 घंटे का सफर करना पड़ गया तो? अगर आपके घर से 100 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे भी स्ट्रगल है, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा, सारी जिंदगी स्ट्रगल करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे थैंक्स सब, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। तो कुछ एक जाते जाते आपको एक आध टिप मैं और दे जाता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कंसिस्टेंसी, यहां पे शायद मैं मिस कर गया, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर तरीके से नहीं पढ़ रहे, 4 दिन 5 दिन पढ़े 1 महीना पढ़े, इंटरेस्ट खत्म हो गया, एक एग्जाम का रिजल्ट आया आप उसमें बहुत दूर से फेल हो गए, आपने उम्मीद ही छोड़ दी, चलो यार मैं नहीं कर रहा है,
पीओ नहीं बनना, पीओ नहीं बने कुछ और बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आगे भी जहाँ जा रहे हैं अगर वहाँ भी फेल हो गए वो भी छोड़ देंगे, फिर आगे जाएंगे वो भी छोड़ देंगे, फिर आगे जाएंगे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कितने सालों से वीडियोस बना रहा हूँ या कितने सालों से लिख रहा हूँ, कई बार हम जो बनाते हैं वो स्टूडेंट्स नहीं पसंद करते। हम एक टेस्ट सीरीज पूरी बना के रख डालते हैं तो वो स्टूडेंट अगर नहीं पसंद करते तो नहीं करते, लॉस झेलना पड़ता है, बहुत घाटा हो जाता है हम लोगों को, बहुत कई बार घाटा होता है। हमने टेक्नोलॉजी बना दी, टेस्ट सीरीज मैंने बनाई थी 2014 में, थोड़े से पैसे कमाए और मैंने टेस्ट सीरीज बना दी, उधार ले ले के लोगों से, नहीं चले या किसी ने पसंद नहीं की या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम थी, चलिए बंद कर दी, लेकिन बहुत लॉस हुए। तो मैंने क्या काम करना बंद कर दिया, मैंने क्या नोट्स बनाने बंद कर दिए? नहीं, अगर आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं आपका तो गया ही कुछ नहीं, 500 रुपये गए हैं, 400 रुपये गए हैं, 2-3 महीने का टाइम गया है, हर महीने बाद एक नया एग्जाम आता है, GIC, LIC, SBI, RBI, SEBI, IREDA, हर एक महीने बाद एग्जाम आता है, आपके पास होने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम, दो एग्जाम, 10 एग्जाम, 20 एग्जाम दो, हर संडे एग्जाम देने चले जाओ, आउटिंग हो जाएगी, घूम फिराओ। तो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आराम से तैयारी कीजिए, बाकी मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे चुका हूँ, एंड यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ मैं कल फिर वापस आऊंगा।